हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, इवन नाउ और स्टिल, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, बट इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में अलग तरीके से होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बट इंग्लिश बनाते वक्त इसका इस्तेमाल हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। वो होता कैसे है? इवन नाउ या स्टिल का मतलब जो होता है वो होता है आज भी या अभी भी। ओके फ्रेंड्स, तो आज भी या अभी भी दोनों के लिए हम दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन नाउ और स्टिल एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह अभी भी खेल रहा है या वो आज भी खेल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम या तो स्टिल का इस्तेमाल करेंगे या इवन नाउ का। इवन नाउ का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के शुरुआत में या अंत में इवन नाउ का इस्तेमाल करना है, लेकिन स्टिल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद या मेन वर्ब से जस्ट पहले हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे वो अभी भी खेल रहा है, ही इज स्टिल प्लेइंग। इज के बाद स्टिल आया, इज हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले, प्ले से पहले स्टिल आया, प्ले भी एक मेन वर्ब है। तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद या जस्ट मेन वर्ब से पहले ही हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम इवन नाउ से बनाए तो इवन नाउ ही इज प्लेइंग या ही इज प्लेइंग इवन नाउ। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते वक्त इवन नाउ का इस्तेमाल करते हैं। और स्टिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे वह अभी भी खाना पका रही है, शी इज स्टिल कुकिंग फूड, या इवन नाउ शी इज कुकिंग फूड, या शी इज कुकिंग फूड इवन नाउ। वह अभी भी सिगरेट पीता है, ही स्टिल स्मोक्स, ही स्मोक्स इवन नाउ, या इवन नाउ ही स्मोक्स। फ्रेंड्स, इवन नाउ का इस्तेमाल हम ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में हम ज़्यादातर स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, इवन नाउ का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले में इवन नाउ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, किया जाता है, बट अक्सर होता क्या है कि स्टिल का इस्तेमाल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्या वह अभी भी खेल रहा है, इज ही स्टिल प्लेइंग, इवन नाउ ही इज प्लेइंग, ऐसा हम नहीं बोलते। इज ही प्लेइंग इवन नाउ हम बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, बट ज़्यादातर स्टिल का इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में। ओके फ्रेंड्स, अभी हम और सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपके मन में। ओके फ्रेंड्स, वे लोग अभी भी खड़े हैं, दे आर स्टिल स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग इवन नाउ, या इवन नाउ दे आर स्टैंडिंग। वह अभी भी मेरे घर पर आता है, ही स्टिल कम्स टू माई हाउस, ही कम्स टू माई हाउस इवन नाउ, या इवन नाउ ही कम्स टू माई हाउस। क्या तुम अभी भी शराब पीते हो, डू यू स्टिल ड्रिंक वाइन, डू यू ड्रिंक वाइन इवन नाउ। वह अभी भी खा रहा है, ही इज स्टिल ईटिंग, ही इज ईटिंग इवन नाउ, इवन नाउ ही इज ईटिंग। क्या तुम अभी भी नहा रहे हो, आर यू स्टिल बाथिंग, आर यू बाथिंग इवन नाउ। वह अभी भी अंग्रेजी सीखने जाता है, ही स्टिल goes to learn English, he goes to learn English even now, even now he goes to learn English। क्या वह अभी भी तुम्हें परेशान करता है, does he still trouble you, does he
ट्रबल यू इवन नाउ। ओके फ्रेंड्स, ये स्टिल और इवन नाउ का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि इवन नाउ का इस्तेमाल और स्टिल का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे अंग्रेज़ी सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।